हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं त्रिद्या टेक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा ये तो आज इस आईपीओ का फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया और सेकंड डे थर्ड डे मंडे से रहेगा, तो इसके अंदर अप्लाई करें कि नहीं करें, क्योंकि कल मार्केट बंद है दो दिन, उसके बाद इसके अंदर सब्सक्रिप्शन फिलहाल अभी स्टार्ट है। और इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर लें सब्सक्रिप्शन नहीं कि नहीं लें, और देखेंगे आज फर्स्ट डे इसके अंदर कितना सब्सक्रिप्शन आया QIB इसके अंदर, HNI इसके अंदर, और साथ साथ में हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर कितना पार्टिसिपेट कर चुके हैं फर्स्ट डे। ये सारी बातें सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बड़े ही दबाओ ताकि नई नई वीडियोज़ नई नई नॉलेज मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहूँ। चलो त्रिद्या टेक लिमिटेड आईपीओ का फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं त्रिद्या टेक का आईपीओ के बारे में। फिलहाल देख लेते हैं आज इसका फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया, लाइव स्टेटस क्या है ये आईपीओ में और कितना सब्सक्रिप्शन आया वो देख लेते हैं। देखा ये तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल अभी तक इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आज इसका फर्स्ट डे था, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल अक्सर आखिरी दिन देखने को मिलता है, और यह आखिरी दिन हमको 5 तारीख को देखने को मिला, 4 और 5 तारीख को देखने को मिलेगा कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन अक्सर आखिरी दिन देखने को आते हैं, और वो भी दोपहर में 12-1 के बाद देखने को मिलेगा। बात करेंगे इसके अंदर नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो अभी तक इसके अंदर 20% IPO के अंदर आ चुके हैं, अमाउंट करीब करीब 38 लाख आया है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अभी तक इसके अंदर 47% रिटेल इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। रिटेल कैटेगरी हम जैसे आप जैसे जो छोटे अवधि के रहते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में आते हैं, और अभी तक इसके अंदर 5 करोड़ की बिड भी लग चुकी है। बात करते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में। फर्स्ट डे देखा जाए तो इस IPO के अंदर करीब करीब 28% तक का इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आ चुका है, और अमाउंट भी 5 करोड़ 38 लाख का इस IPO के अंदर लग चुका है। और बात करेंगे इस IPO की डे बाई डे की, जैसे मैंने बताया ये IPO का आज फर्स्ट डे था, ये IPO आज 30 तारीख से स्टार्ट हो गया था। डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, चैनल पे विजिट करके देख सकते हो त्रिद्या टेक्नोलॉजी ये IPO के बारे में। फिलहाल देखा है तो फर्स्ट डे इसके अंदर 28% तक का सब्सक्रिप्शन आ चुका है। IPO की एक बार और डिटेल देख लेते हैं, और क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है आज फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन की वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी। बात करें त्रिद्या टेक IPO के बारे में, अगर इसकी डिटेल देखते हैं तो ये IPO आज से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गया है, और 5 तारीख को ये IPO क्लोज भी हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है, IPO प्राइस 35 रुपये से 42 रुपीज़ के बीच में रखा गया है पर शेयर। अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो 42 रुपीज़ के ऊपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखा जाए इस IPO के अंदर लॉट साइड जो रखा गया है करीब करीब इसके अंदर एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स रखा गया है, मैंने अगर रिटेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मिनिमम रिटेल को एक लॉट लेना पड़ेगा जिसके अंदर 3000 शेयर्स मिलेंगे। और टोटल इशू साइज़ देखा जाए तो इस IPO के अंदर 26.71 करोड़ का ये IPO आ रहा है। पूरा की पूरा ये IPO फ्रेश इशू, ये IPO चल रहा है, मंडे ट्यूसडे को भी ये चालू रहेगा, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल इसके लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी NSE SME पे लिस्टिंग होते हुए दिखाई, क्योंकि ये एक SME IPO है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। और बात करते हैं IPO के अंदर और डिटेल के बारे में यानी रिजर्वेशन के बारे में, तो फिलहाल इसके अंदर देखा जाए 22.76% जो रखा गया यानी आ चुका है ऑलरेडी, एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए पैसा इसके अंदर आ चुका है। और मार्केट कैप देखा जाए मार्केट मेकर का ये 5% है, और साथ साथ में QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का करीब 24.25% इसके अंदर रखा गया है, HNI का 7% रखा गया है, और उसके बाद जो बचता है हम जैसे आप जैसे जो रिटेल हैं रिटेल को इसके अंदर 40% दिया गया है, यानी सबसे ज़्यादा पोर्शन इसके अंदर भी रिटेल को ही देखने को मिल रहा है। रिटेल का मतलब इसके अंदर जो ऑफ़र किया गया जैसे 22% 5% 24% जो शेयर्स है, जो टोटल शेयर्स ऑफ़र हुए हैं 62,88,000 जो शेयर्स टोटल ऑफ़र हुए हैं इसके अंदर 62,88,000, तो उसके अंदर 25,38,000 रिटेल का है, करीब करीब 4,50,000 शेयर्स के अंदर HNI का जो शेयर्स ऑफर हुए उसके अंदर परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चलो देख लेते हैं आज के डेट में IPO का क्या ग्रे मार्केट PM चले वो देख लेते, उससे पहले कहूँ चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दे। बात करें त्रिद्या IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो फिलहाल अभी देखा जाए आज फर्स्ट डे कम्प्लीट हो गया, और आज 30 जून 2023, और आज इसके अंदर करीब करीब हमको 23 से 24% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये IPO जब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था करीब 5 से 10% तक का इसके अंदर हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद
कंटिन्यू इसके अंदर गिरे, मार्केट प्रीमियम ऊपर चढ़ता चला गया। 27 तारीख को 11% पे था और थोड़ा गिरावट देखने को मिली हमको 28 तारीख को और 29 तारीख को, यानी कल के डेट में करीब करीब ये 21-22% तक का गिरे मार्केट प्रीमियम चढ़ गया। और आज के दिन में आज फर्स्ट डे कंप्लीट हुआ तो इसके अंदर 24-25% तक का गिरे मार्केट प्रीमियम था। अभी इसके अंदर सब्सक्रिप्शन स्टार्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको सेकंड डे थर्ड डे लास्ट डे अगर देखने को मिलता है तो आने वाले दिनों में इसके अंदर और भी ज़्यादा गिरे मार्केट प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिली। फिलहाल अगर जैसा भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।